हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टैको भारत। तो दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने दो वीडियो बनाई हैं जिसमें ये बताया कि केजरीवाल सरकार ने 5,000 रुपये देने का प्रावधान किया है, किस तरीके से देना शुरू किया है, क्या प्रोसीजर है। उन दोनों वीडियोज़ में मैंने बताया है, आप ऊपर जाके IQ बटन में क्लिक करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उनके केजरीवाल सरकार ने काफ़ी पागल बना दिया है, लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा दी, क्या यूट्यूबर्स ये चीज़ें ऑनलाइन डाल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये कन्फर्म कर दूँ कि हाल में जो परिवहन मंत्री हैं दिल्ली के, जिनका नाम है कैलाश गहलोत, उन्होंने ये एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारे पास 2 लाख सबमिट एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से हम 60,000 लोगों को पैसा दे चुके हैं। यानी कि दोस्तों, 60,000 लोगों को उन्होंने 5,000 रुपये दे दिए हैं। और लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक दोस्त का जब मैंने फॉर्म सबमिट किया था तो उसके भी 5,000 रुपये उसके अकाउंट में आ गए थे। तो वो IQ बटन में देख सकते हो, उस वीडियो को मैंने पूरी वेल प्रूफ के साथ वो वीडियो बनाई है। तो 60,000 लोगों के पैसे आ गए हैं, जिसमें 30 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने बांट दिया है ड्राइवरों के बीच में, और बाकी के जो बचे हैं 1,40,000, उसमें से 20,000 ऐसे बंदे हैं जिनका पैसा नहीं आ पाया है, क्योंकि कैलाश गहलोत ने बताया कि उन लोगों के अकाउंट्स अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं है उनके अकाउंट्स, तो इस कारण वो दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए भी ये काम कर रहे हैं और जल्द ही इस चीज़ को सुधार लिया जाएगा। और 50,000 ऐसे लोग हैं जिनका मतलब नाम में डिफर है, मतलब आधार कार्ड में कुछ है, ड्राइविंग लाइसेंस में नाम कुछ है, तो इस कारण भी उनका जो सॉफ्टवेयर है वो पैसे देने में सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अगर इस केस में मंत्री जी ने बताया कि अगर आपके नाम में, मान लीजिए RS कुमार नाम है आपका ड्राइविंग लाइसेंस में और आधार कार्ड में आपका रवि शर्मा कुमार है, तो आपको एक ही की दोनों फोटोकॉपी अटैच करनी होंगी, मतलब एक ही पे प्रिंट होना चाहिए दोनों डॉक्यूमेंट, जिससे वो कन्फिगर कर सके कि एक ही बंदा है, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर ये नहीं पता लगा पाता कि ये बंदा सेम है और वो इसको अलग अलग मान लेता है, जिससे आपका फॉर्म नेगलेक्ट हो जाता है। और बाकी के जो दोस्तों 70,000 लोग बचे हैं, उनके लिए भी प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि उनके प्रोसेस में ये दिक्कत आ रही है कि उन दोस्तों का बैज है जो चिप वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट किया गया है वो इम्प्लीमेंट इन द सेंस इस तरीके से किया गया है कि जो सरकार के पास डेटा है उस डेटा की प्रोसेस पे सरकार गवर्नमेंट काम कर रही है, तो उन लोगों का डेटा उनके पास है नहीं, क्योंकि चिप के जरिए वो डेटे को उठाते हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर जो बनाया हुआ है वो चिप के जरिए डेटे को कॉन्फ़िगर कर रहा है। तो इस तरीके से आपका, इसके लिए भी गवर्नमेंट कह रही है कि हम काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में 8-10 दिन में ये प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। और कैलाश जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन लोगों को भी पैसा दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो 2 लाख एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं और उनके किसी ना किसी दिक्कत से, कोई कारण से दिक्कत आ रही है, तो उसको दोबारा रिकन्फिगर करके उनको पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थी एक इंटरव्यू के जरिए, जिस जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, क्योंकि कोई लोग सोच रहे थे ये सारा लॉलीपॉप है, ठेंगा है। दोस्तों, जिन दोस्तों के पैसे नहीं आ पा रहे, उनके कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में कोई एरर है, कोई ना कोई दिक्कत है, तभी ये कोई दिक्कत आ रही है। आने वाले टाइम में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपके आई होप कि पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये लॉकडाउन में बहुत बड़ी राहत है उन दोस्तों के लिए जो ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ, जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।